अस्सलाम वालेकुम जी मेरा नाम उमर फारूक खान है और मैं अलखेर अकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपके पास हाजिर हुआ हूँ चैप्टर नंबर वन बेसिक ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लास्ट लेक्चर से जहां से हमने ब्रेक किया था वहीं से हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं आज हम एस डी एल सी के बारे में पढ़ेंगे सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बेसिकली ये हमारे पास फेजेस हैं कोई भी सिस्टम को क्रिएट करने से पहले हमें इन फेजेस से गुजरना पड़ता है और फिर जाके हम एक सक्सेसफुल सिस्टम uh, बना सकते हैं ठीक है जी डिस्क्रिप्शन इन सिस्टम इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होती है हमारे पास ये टेक्निक्स होती हैं बहुत सारी टेक्निक्स हैं वाटरफॉल टेक्निक्स हैं ठीक है इसी तरह एस भी हमारे पास टेक्निक है

तो ये सारी की सारी चीजें हमारे पास सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में आ जाती हैं और हम इसी को यूज करते हुए एक सक्सेसफुल सिस्टम क्रिएट कर सकते हैं आगे इसकी फर्दर टाइप्स टाइप से उनको हम डिस्कस करेंगे सेवन फेज ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल आर फॉलोइंग आर प्लानिंग रिक्वायरमेंट डिजाइनिंग उसके बाद डेवलपमेंट टेस्टिंग uh, उसके बाद डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्लीट प्लान एक्सप्लेनिंग द वे टू डिवेल्प मेंटेन एंड रिप्लेस स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर सिस्टम और नीचे लाइन वाइज फेज जो है मैंने लिखनी है जो फर्स्ट है रिक्वायरमेंट कलेक्शन एनालिसिस लेकिन आपकी बुक में प्री लिमिट इन्वेस्टिगेशन है उसके बाद सेकेंड हमारे पास है फिजिबिलिटी स्टडी डिजाइन कोडिंग फिर टेस्टिंग फिर उसकी इंस्टॉलेशन मतलब इम्प्लीमेंटेशन और डिप्लॉयमेंट जो भी उसे करते हैं और सेवन पे है मेनटेनस ठीक है। तो ये सात फेजेस हैं जिनसे हमें गुजर के आ, हम क्रिएट कर सकते हैं अपने सिस्टम को फर्स्ट जो हमारे पास है फेज वो है हमारे पास रिक्वायरमेंट एंड कलेक्शन एनालिसिस द रिक्वायरमेंट इज द फर्स्ट स्टेज इन एस डी एल सी

स्टेक होल्डर्स एंड डोमेन एक्सपर्ट इन द इंडस्ट्री मतलब इंडस्ट्री के अंदर स्टेक होल्डर डोमेन एक्सपर्ट होते हैं उनसे हम इंफॉर्मेशन uh, लेते हैं प्लानिंग फॉर द क्वालिटी इंश्योरेंस रिक्वायरमेंट्स एंड रिक्जेशन ऑफ द रिस्क इनवॉल्व इज ऑल्सो डन एट दिन मैंने पहले बताया इस चीज को इंश्योर करते हैं कि अगर आप मार्केट में चीज लॉन्च करें तो क्या चीज आपकी चीज चल पाएगी लोगों को बेनिफिट देगी नंबर टू हमारे पास है फिजिबिलिटी स्टडी वन द रिकॉयरमेंट एस फेज इज्पलीटेड दी नेक्स्ट स्टेप इज टू डिफाइन नीड्स मतलब हम डॉक्यूमेंट की फॉर्म में हम अ हायरार्कल शेप में हम ऊपर प्रोवाइड करते हैं उस जो हमारे पास लास्ट रिपोर्ट होती है द प्रोसेस द कंडक्ट विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट आल्सो नोन एज एसआरएस डॉक्यूमेंट्स इट इंक्लूड्स एवरीथिंग व्हिच शुड बी डिजाइंड एंड द ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल उसके बाद नंबर 3 पे है जब हम आ, प्लानिंग कर लेते हैं आ, और फिजिबिलिटी स्टडी ऊपर दे देते हैं तो फिर डिजाइन किया जाता है कि हाँ ये हमें पता चल जाता है कि हमें क्या चीज बनानी है हमें किस तरह का चीज बनानी है तो फिर हम उसको डिजाइन करना शुरू करते हैं कि हम जो अपनी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करा रहे हैं उसका डिजाइन किस तरह का हो कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं और यूजर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फुलफिल हो जाए इन दर्ड फेज सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट्स आर प्रिपेयर एज दी एज पर दी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट दिस हेल्प डिफाइंड ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर दिस डिजाइन फेस सर्वर एज इनपुट फॉर दी नेक्स्ट फेज ऑफ द मॉडल बेसिकली इसमें क्या होता है हर फेज पिछले फेज से जुड़ा होता है जब तक वो फेज हमारे पास सक्सेसफुली नहीं बनेगा